Assalamu alaikum guys, this is your boy Ibrahim and welcome to the new vlog. Look at this, what I've got today. Two keys, that means I've got two cars to show you guys, and you guys can let me know which one you prefer the most. Let me know in the comments below, what do you think? So I'll see you in the next clip, wait for it. Difference. ये Mercedes की जो की है ये पहले आती होती थी ये 2018 तक, तो अब recently जो इन्होंने की अपडेट की है वो ये है. तो ये Mercedes की at the moment the key that you get with your car is this from year 2018 onwards. तो आपको सबसे पहले जो है वो Mercedes CLS जो facelift model है from year 2015 to year 2018 उसको दिखाते हैं. जी ये Mercedes का जो मॉडल है जी ये CLS है, ये 2015 टू ये 2018 CLS 220 डीजल है. इसकी 180 हॉर्स पावर है, गाड़ी फास्ट है. आपको इसका इंटीरियर भी दिखाई देते हैं. ये देखें गाइस, ये है जी CLS 220 W218 ईयर 2015. तो ये जो कार है जी माशाल्लाह, आप देखें इसका इंटीरियर ऑल लेदर. ये इसका स्टीयरिंग व्हील है. और इस कार के जो ऑप्शंस हैं जी, ये पहली तो चीज़ कि ये जो है जी एक ये बटन है जिससे ये स्टार्ट होती है, तो इसके लिए चाबी आपके पास होनी ज़रूरी है. विदाउट की यू कांट स्टार्ट है. तो ये हम स्टार्ट करेंगे जी. तो ये इसका मीटर देखें. इसके अलावा ये इसका इंटरटेनमेंट जो सिस्टम है ये यहाँ से कंट्रोल होता है. तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं, रेडियो, मल्टीमीडिया यानी कि आप अपने ब्लूटूथ के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन, तो ये आपका नेविगेशन सिस्टम है. इसके अलावा अपना टेलीफोन जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल करने का, कॉल काटने का बटन, म्यूट करने का बटन. ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो यहाँ मौजूद है. इस कार के अंदर जो बिल्ट इन है वो काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन इस ये जो मॉडल है जी ये है प्रीमियम प्लस. तो इसके अंदर एक्स्ट्राज हैं जैसे कि ये बटन, अगर आप इस कार को रिवर्स गियर में डालोगे तो ये साथ ही इसका जो रिवर्स कैमरा है वो ऑन हो जाता है. इसके अलावा ये जो है जी ये इलेक्ट्रिक सीट कंट्रोल, यहाँ से आपकी सीट कंट्रोल होती है. मेमोरी सीट्स, सो आप अगर अपनी नंबर वन पे, टू पे या थ्री पे अपनी सीट को एडजस्ट रख सकते हैं. जब भी आप कार में बैठेंगे तो आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी कार की जो सीट है वो आपके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी. इलेक्ट्रिक पावर विंडोज, फ्रंट रेयर, ये हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है. इसके अलावा सनरूफ, और जो इसका बूट है उसके अंदर भी बटन है, आप अगर उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो बूट जो है वो अपने आप क्लोज हो जाता है. ये जो कार है जी ये फोर सीटर है, इसकी रेयर में दो और लोग बैठ सकते हैं, ठीक है. और जैसा कि आपको पता है जर्मन इंजीनियर्स इस कार के अंदर बेतहाशा जो हैं जी वो सिक्योरिटी फंक्शंस हैं, यानी कि अगर कोई सडनली आपके आगे आ जाता है तो कार जो है वो अपने आप को खुद रोक लेती है. और नई कार्स जो आ रही हैं जी उसके अंदर तो यहाँ तक फंक्शन है कि कार अपने आप चलती है. ये कार जो है ये
पार्क अपने आप हो जाती है अगर आप एक बटन दबाएंगे, पार्किंग पैरेलल पार्किंग जो होती है, तो जहाँ पर आपने अपनी कार को पार्क करना हो, जगह हो, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो ये कार जो है ये अपने आप को खुद पार्क कर लेती है, आपको स्टेयरिंग जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो ये थी जी हमारी CLS 220 2015 मॉडल। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरी CLS की तरफ। तो ये देखें जी, ये है जी CLS का इंटीरियर जो नया मॉडल है, बहुत लश पश और टश किस्म का है जी। तो ये इसका जो है वो स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, जहाँ से ये कार स्टार्ट होती है तो आपको ब्रेक पर पाँव रखना होगा और हम ये बटन दबाएंगे और कार जो है जी वो स्टार्ट हो गई। और ये स्टार्ट तभी होगी जब ये चाबी आपके पास होगी, अगर ये चाबी आपके पास नहीं है तो कार स्टार्ट नहीं हो सकती, तो इस लिहाज से ये सिक्योर है। और मर्सिडीज़ का आप जानते हैं जी जर्मन मेड है, तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो सिक्योरिटी अपना फीचर्स हैं जी, तो एयर बैग्स एंड एवरीथिंग लाइक दिस, यू गेट ऑल द ऑप्शंस इन इट। दिस इज़ द न्यू स्टीयरिंग व्हील। आप इसका जो है ये वाला जो मीटर है यहाँ पर, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऑप्शंस, यानी कि आप कोई भी उसका डायल वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो इधर वाली स्क्रीन है उसको आप स्टीयरिंग के इस साइड पर जो बटन्स हैं इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस कार के अंदर जी बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम आता है, रेडियो आता है, आप अपना जो फ़ोन है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, AC ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल। इसके अलावा जो ये स्क्रीन है वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा टच डिवाइस है जी। और मीडिया एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है, अगर आप इसको टर्न ऑफ करना चाहें तो यहाँ पर ये बटन है, आप इसको दबाएंगे और ये जो मीडिया का बटन है वो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा इस कार के अंदर जी ये सारी जो लाइट्स हैं ये सारी LED लाइट्स हैं, ये रियल वुड एश वुड इंटीरियर है जी इसका, और इट्स ऑल लेदर। आप देख सकते हैं कि सारी सीट्स वगैरह जो हैं ये सब लेदर है जी। इसके अलावा आपको मैं पीछे से भी दिखा देता हूं, ये है जी इस कार की बैक, ठीक है। पीछे जो है वो तीन लोग बैठ सकते हैं बआसानी, पीछे भी जो है वो एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम मौजूद है। जैसा कि आपको मैंने पहले दूसरी CLS दिखाई, उसमें जो है जी वो पीछे दो सीट्स हैं, दैट इज़ 4-सीटर का, लेकिन ये जो न्यू CLS है ये इन्होंने जो है जी 5-सीटर बनाई है। ये देखेंगे ये जो कार है जी, ये CLS 350 है, डीजल 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4MATIC। ये जी हम अपनी चाबी लेते हैं और इस कार को जो है जी अल्लाह हाफिज कहते हैं। हमें लॉक है। So that's it guys, that was the end of today's video. I hope you guys enjoyed it. Let me know in the comments below what do you think of the video, and I'll be back with another one.